प्रस्तुत करता पतंजलि हर्बल डिटर्जेंट पाउडर एवं केक, कोमल हाथों की सुरक्षा व महंगे कपड़ों की सफाई, प्रायोजक क्वांटम यूनिवर्सिटी द फ्यूचर इज एक्साइटिंग और इंदिरा आईवीएफ इंडिया लीडिंग फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, आपके साथ में नंदिता कुडेशिया हूं। दिन की बड़ी खबर की ओर बढ़े, उससे पहले 50 अहम खबरें। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ और उनकी बेटी की आज गिरफ्तारी संभव, एनएबी की स्पेशल टीम अबू धाबी एयरपोर्ट पर दोनों को हिरासत में ले सकती है। अबू धाबी एयरपोर्ट से दोनों को लाहौर लाया जाएगा, फिर एक दिन रावलपिंडी की अदेला जेल में रखा जाएगा और अगले दिन उन्हें अटोक कोर्ट भेजा जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के पोते जुनैद सफदर और जकारिया हुसैन लंदन में गिरफ्तार, दोनों पर प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट का आरोप। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शाहबाज शरीफ ने कहा कि भारत जब G20 में शामिल होता है तो उन्हें जलन होती है। शाहबाज शरीफ ने अपने बयान में पीएम मोदी का जिक्र किया, नवाज के भाई ने भ्रष्टाचार को लेकर पाकिस्तान को भारत से सीखने की सलाह दी। हामिद अंसारी ने एएमयू में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को सही बताया, पूरे मामले में पूर्व उपराष्ट्रपति ने एक अंग्रेजी अखबार को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में हामिद अंसारी ने कहा कि महात्मा गांधी पहली बार जब एएमयू गए थे तो सम्मान में उनकी तस्वीर लगाई गई थी, जिन्ना गए तो सम्मान में उनकी तस्वीर भी स्टूडेंट यूनियन ने लगाई। हामिद अंसारी ने शरीय अदालतों का भी समर्थन किया, पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कानून इस बात की इजाजत देता है कि हर समुदाय का अपना पर्सनल लॉ हो। यूपी के गाजियाबाद में लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर का आरोप, गंग नहर में पिछले 2 महीने से डूबने से 50 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के पास गाजियाबाद के मुरादनगर की गंग नहर में स्नान के लिए आने वाले लोगों की हत्या कर लूटपाट का आरोप। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने गाजियाबाद में उनके डीएम को चिट्ठी लिखी, जांच कराने की मांग। आरोप है कि छोटा हरिद्वार कहे जाने वाले गंग नहर में जो लोग स्नान करने जाते हैं उनकी स्थानीय गोताखोर हत्या कर देते हैं। बीजेपी विधायक का आरोप है कि स्नान करने के दौरान गोताखोर लोगों के पैर खींचकर उन्हें पानी में डुबो देते हैं और अंदर रस्सी से बांध देते हैं। विधायक के मुताबिक जब पीड़ित परिवार शख्स की तलाश गंग नहर करते हुए पहुंचता है तो गोताखोर शव की तलाश करने की एवज में 25,000 रुपए तक लेते हैं और शव निकाल कर देते हैं। बीजेपी विधायक ने गंग नहर के पास बने मंदिर के महंत पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया, हालांकि महंत ने इसे मंदिर पर कब्जे की साजिश करार दिया। महंत मुकेश गिरी के मुताबिक बीजेपी विधायक के आरोप मनगढ़ंत हैं। महंत के मुताबिक जो शराब के नशे में होते हैं वो पानी में जाते हैं और डूब जाते हैं। महंत ने भी पिछले 2 महीने में 5 से 6 लोगों की मौत की बात स्वीकारी, लेकिन उनका दावा है कि मुस्लिम गोताखोर ऐसा कर रहे हैं, उनकी मिलीभगत नहीं है। मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी ने गोताखोरों पर लगे आरोपों को खारिज किया, आरोप को मंदिर पर कब्जे की साजिश बताया। पटना में नीतीश कुमार के आवास पर डिनर में अमित शाह हुए शरीक, सीएम और बीजेपी अध्यक्ष के बीच अकेले में हुई राजनीतिक हालात पर चर्चा। डिनर से पहले अमित शाह ने जेडीयू के नाराज होने की खबरों को खारिज किया, कहा हमने साथियों का सम्मान किया, उन्हें संभालना हमें आता है, दोस्ती बरकरार है और आगे भी रहेगी। शाह ने नीतीश की तारीफ की, कहा अब चारा घोटाला नहीं होता क्योंकि नीतीश राज में केंद्र से भेजा पूरा पैसा बिहार के लोगों तक पहुंचता है। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, कल अपने संसदीय क्षेत्र में 532 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, तैयारी में जुटी बीजेपी। भारी बारिश और बाढ़ से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने 14 राज्यों में एनडीआरएफ की 97 टीमें भेजी, अलग अलग 71 जगहों पर तैनात। दिल्ली के बुराड़ी में सभी 11 मौत लटकने की वजह से हुई, क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी ने कहा अब तक की जांच में कोई तांत्रिक या बाबा का जिक्र नहीं है। बुराड़ी मौत मामले में हत्या के केस वाली एफआईआर जारी रहेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गहन स्टडी के बाद नतीजे पर पहुंचेगी पुलिस। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, अफसरों पर अधिकार के मामले पर बात हुई। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल की ओर से रद्द किए गए वकीलों के पैनल को बहाल किया, सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी। दिल्ली के सब्जी मंडी स्टेशन के पास जम्मू राजधानी ट्रेन के B10 कोच की छत पर आग लग गई, कोई हताहत नहीं, फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाया।
मुंबई के कॉलेजों में गीता बांटने के मामले पर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री की सफाई, कहा सरकार की ओर से गीता नहीं बांटी जा रही है। मुंबई में बिजनेसमैन से 10 करोड़ का हफ्ता मांगने के मामले में 3 गिरफ्तार, अंडरवर्ल्ड की धमकी देकर मांग रहे थे रंगदारी। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में सड़क पर दिखा 6 फीट का अजगर, वन विभाग की टीम की मदद से अजगर का रेस्क्यू हुआ। मुंबई के बांद्रा में एक घर का स्लैब गिरा, 2 लोग जख्मी, गवर्नमेंट कॉलोनी में हुआ हादसा, घायल भाभा अस्पताल में भर्ती। मुंबई के फुटओवर ब्रिज हादसे के बाद रेलवे ने पुणे में 1000 पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया, रेलवे प्रशासन का दावा सभी पुल सुरक्षित। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी भरा, कोंकण के रत्नागिरी, राजापुर, लांजा और विदर्भ के गढ़चिरौली में बारिश। यूपी के संभल के चंदौसी में 125 सार्वजनिक वाटर कूलर्स पर चढ़ा भगवा रंग, विरोध के बाद नगरपालिका ने पेंट करवाने का काम रोका। ताजमहल के रखरखाव में लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हरकत में यूपी सरकार, विजन डॉक्यूमेंट को तैयार कर ड्राफ्ट 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। यूपी के कानपुर में स्कूल बस और ट्रक में टक्कर, बस गड्ढे में पलटी, 16 बच्चे घायल, 2 की हालत गंभीर। यूपी के शामली में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी और 2 लोगों पर चलाई गोली, 3 की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार। झांसी में नाबालिग लड़की के फायरिंग करने का वीडियो वायरल, पिछले साल दिवाली के मौके पर किया शूट, पिता ने ही फेसबुक के जरिए वीडियो वायरल किया। बेंगलुरु में BSF की दिव्यांग ट्रेनिंग कैंप, इसमें की सुरक्षा की देश की सुरक्षा की सैन्य ऑपरेशन में अपने अंगों को खो चुके पूर्व जवानों ने हिस्सा लिया। यूपी के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर GRP की ईमानदारी के चर्चे, स्टेशन पर छूट गए यात्री के बैग को वापस किया, बैग में करीब 8 लाख के गहने और जरूरी कागज थे। मुंबई के हफकिन इंस्टीट्यूट ने रसेल वाइपर सांप के अंडे से 36 बच्चों को जन्मा, इंस्टीट्यूट ने रिसर्च के लिए बारामती से रसेल वाइपर को मंगवाया था। कुलदीप यादव ने वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, सिर्फ 25 रन देकर इंग्लैंड के 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा, बने मैन ऑफ द मैच।